हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रशासन प्लास्टिक उपयोग करने वाले कारोबारियों के आगे बेबस, खाने की तलाश में सड़कों पर घूमने वाले मवेशी से भोजन समझने की कर रहे हैं गलती। राज्य सरकार द्वारा पॉलिथीन के उपयोग पर पाबंदी लगी हुई है, इसके बावजूद शिवगंज शहर सहित उपखंड क्षेत्र में इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इस पॉलिथीन की वजह से बेसहारा पशुधन इस समस्या से जूझ रहा है। रोजमर्रा में उपयोग में लेने के बाद फेंकी जाने वाली पॉलिथीन खाने से मवेशियों की तबीयत बिगड़ रही है। इसके प्रयोग से मवेशियों को काल का ग्रास बनना पड़ रहा है। शहर के बाजार में दुकानदार प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम इस्तेमाल कर रहे होलसेल व्यापारी अपने दोपहिया वाहनों पर पॉलिथीन बैगों की दुकानों व लॉरियों पर जाकर कर रहे हैं। स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारी कभी कभार कागजी खाना पूर्ति के लिए अभियान के नाम पर कुछ पॉलिथीन की जब्ती तो करते हैं एवं चालान भी बनाते हैं, लेकिन अभियान निरंतर जारी नहीं रहने से समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे पॉलिथीन की समस्या का दंश बेसहारा गौवंश भोग रहा है। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होने के बाद इंसान तो उसे कचरे के ढेर में फेंक देता है, लेकिन खाने की तलाश में सड़कों पर घूमने वाले जानवर इसे भोजन समझने की गलती कर देते हैं। प्लास्टिक में मौजूद कई केमिकल्स की सुगंध खाने जैसी होती है, जिसे जानवर खाना समझकर खा जाते हैं। मवेशियों के लिए प्लास्टिक को पचा पाना असंभव है। आंतों में जाने वाले प्लास्टिक के रिएक्शन काफी खराब होते हैं, कई बार तो नुकीला प्लास्टिक गले के नीचे नहीं उतरता है, ऐसे में उनका दम घुटने लगता है। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स की वजह से उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जिसके कारण कुछ समय बाद उनकी मौत तक हो जाती है। जागरूक टीवी के लिए शिवगंज से छगन मीना की रिपोर्ट।